नमस्कार, आज इंडिया न्यूज़ 28 पहुंची पश्चिम बंगाल विख्यात हस्त छाया शिल्पी श्रीमान प्रवीर सिन्हा के घर। प्रवीर जी का एक पुतुल नाटक का दल है जो निरंतर कई सालों से काम कर रहा है इस विषय में। इस पुतुल नाटक को लेकर वह परफॉर्म किया करते हैं और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी शामिल रहती है। बाद में वे धीरे धीरे हस्त छाया कला की ओर आकर्षित हुए ताकि अपने पुतुल दल को नया दिशा दे सके। यह हस्त छाया शिल्प एक विदेशी कला है जिसको प्रवीर जी सीखकर भारतीकरण किए और वे लगातार इस हस्तकला को दर्शक तक पहुंचाने के लिए काम किए जा रहे हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आज इंडिया न्यूज 28 है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मिस्टर प्रवीर सिन्हा, इंडिया न्यूज 28 के दर्शकों के लिए अपने दो हाथों और 10 उंगलियों के जादू को अपने स्क्रीन पर दिखाते हुए देखिए, जो है ये पक्षी उड़ते हुए खुले आकाश में उड़ रही है ये पक्षी। उसके बाद पक्षी बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है जो है। उसके बाद पक्षी आकर एक डाल पर बैठी और अपने चोंचों से अपने शरीर को सहला रही है। उसके बाद पंख हिलाई और पूंछ को भी हिला रही है। देखिए, यह रियल में यह दृश्य अपने आप में एक अद्भुत है। और यह देखिए, हिरन जंगल में हिरन घूम रही है। उसके बाद रास्ते पे आप लोग देखे होंगे कुत्ता, यह कुत्ता भी है। और मिस्टर प्रवीर सिन्हा को बहुत जगह से सम्मानित किया गया है। उनका सम्मान जो है बरकरार रहे, हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। इंडिया न्यूज 28 राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि इस कला को और प्रोत्साहित करें ताकि इस प्रकार के कलाकार भविष्य में और अच्छा काम कर सके। अब हम लोग उनके द्वारा किए गए एक प्रदर्शन को देखेंगे। कैमरामैन सुतपा के साथ उमेश प्रसाद की रिपोर्ट। আবার প্রফুল্লিত দেখুন, সর্বত্র আলো ছায়া মায়া দিয়ে মোড়া। मिस्टर प्रवीर सिन्हा, आई न्यूज 28 के दर्शकों के लिए एक हस्त छाया नाटक लेकर आए हैं जो कि स्क्रीन पे अब हम लोगों को दिख रहा है। आइए इस नाटक का मजा लीजिए। इस नाटक में वे पर्यावरण के ऊपर कुछ बातें हम लोगों को समझा रहे हैं। चलो चलो मने माच। चलो चलो मने मानुष। अभी जो हम लोगों के स्क्रीन के ऊपर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं,
वह मिस्टर प्रवीर सिन्हा जी समझा रहे हैं कि जंगल का पेड़ ये लोग काटने आए हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि पेड़ कहाँ से काटा जाए। मिस्टर प्रवीर सिन्हा और इंडिया न्यूज़ 28 के टीम और प्यारे दर्शकों, आज सब हम लोग मिलकर यह संकल्प करें कि हम लोगों को पर्यावरण बचाना है, ताकि यह पंछी फिर से अपना घर वापस लौट सके।